लैपटॉप से पीडीएफ कैसे बनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे, अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हो लैपटॉप और आप अपने लैपटॉप से किसी फ़ोटो को पीडीएफ बनाना चाहते हो, यानी पीडीएफ में बदलना चाहते हो, तो कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको आना है सबसे पहले अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में। यहाँ पे आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए या कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। फिर आपको ऊपर सर्च करना है, यानी सर्च बार में आपको लिखना है यहाँ पे टूल्स। आपको ये लिखना है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, टूल्स डॉट पी डी एफ एफ ओ आर जी ई डॉट ओ आर जी। इसे ध्यान से देख लीजिए और सर्च कर लीजिए। थोड़ा सा वेट करिए, आपके पास ये वाला पेज आएगा, एक्सेप्ट करने को कहता है, तो एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज टू पी डी एफ, इसे देख लीजिए, ढूंढ लीजिए और इस पर क्लिक कर लीजिए। थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे कहेगा चूज फाइल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने वो वाले फ़ोटो ले लीजिए जिसको आप पीडीएफ में बदलना चाहते हो। तो यहाँ पे आपका दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, तो आप देख लीजिए आपके फ़ोटोज़ कहाँ पर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, हम उसे ओपन ले कर लेते हैं, यानी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप कंट्रोल की मदद से दो या तीन या उससे ज़्यादा फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आप दबाए रखें और फ़ोटो सिलेक्ट करें, तो हम कर लेते हैं। हमने कर ली है, हमने 6 फ़ोटो सिलेक्ट करी है। ओपन पे आपको टच करना है, यानी क्लिक करना है। मैक्सिमम आप 10 MB ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मिलेगा ओरिजिनल ऑर्डर, आप इस पर क्लिक करें, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पे, पर इसका काम आपको नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो बाद में आए और ये वाला फ़ोटो पहले आए, तो आप इसे उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं ऐसे करके, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। आप रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंशन, आप इस पर क्लिक करें, इसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो, आपको ऑटो पे क्लिक करना है, A4 पे क्लिक करना है। और नीचे आपको मिलेगा कन्वर्ट, इस पर क्लिक करें। थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे आपके फ़ोटो जितनी ज़्यादा होंगी इतना टाइम लगेगा। आपको मिलेगा डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करें और नीचे की तरफ आपका जो PDF है, यानी जो आपने फ़ोटो से PDF बनाया है, वो आ जाएगा। आप इसे सिंपल ओपन कर लीजिए डबल क्लिक करके, और आपका PDF शो करा देगा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और PDF क्रिएट करें किसी भी फ़ोटो से अपने लैपटॉप में। वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।